नमस्कार, मैं हूं प्रीति और एक मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो, जिनसे हम अपने बिहार में बढ़ते क्राइम के साथ ही कई अन्य अहम मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। धनेश्वर जी, सबसे पहले तो आपका बिहार न्यूज में स्वागत है। धनेश्वर जी, हम सबसे पहले अगर हम बात करें बिहार की या फिर बिहार के बाहर की, लोग नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के नाम से जानते हैं, लेकिन क्या वाकई में बिहार में सुशासन का राज है? क्या जंगल राज है आज के टाइम में? पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय के अंदर आपको उस पंचवर्षीय में बहुत अच्छा बिहार के अंदर काम हुआ था नीतीश जी के द्वारा। दूसरी बार बने तो मिली जुली, तीसरी बार बने तो सात निश्चित योजना के साथ बिहार में इन्होंने काम करना चालू किया। आज ये सात निश्चित योजना का हाल है कि नल जल योजना जो है बिहार सरकार की, इससे बड़ा लूट किसी चीज में नहीं है। शौचालय में चले जाइए आप, आपको एक शौचालय चाहिए तो 2000 रुपए जब तक आप नहीं दोगे तो शौचालय की आपको अनुमति नहीं मिलेगा। और भी जो इनके ग्राम सड़क योजना है, सड़कें तो बन रही हैं, ढलाई होता है 2 इंची, 1.5 इंची, 6 इंची कम से कम होना चाहिए। प्रशासन को आप शिकायत करो तो उसकी जांच नहीं बैठती है। जैसे कि मैंने अभी 2 आवेदन दिया अपनी पंचायत के विषय में और कई जगह के विषय में, कोई जांच नहीं है। कान में जैसे रुई नहीं घुसा के सोए रहते हैं, इस तरीके से हाल है। दूसरी बात, अभी आपको दारू बंद इस पंचवर्षीय में किया गया है जी, बिल्कुल। आज बिहार के अंदर नीतीश जी एक गांव मुझे नहीं बता सकते या बिहार की जनता को बता सकते हैं कि इस गांव में दारू नहीं बिकता है, खुलेआम बिक्री है दारू। अब सुनाओ गुटखा बंद कर रहे हैं, तो इससे क्या है? इससे सिर्फ आप एक बेरोजगारी, ब्लैक मार्केटिंग, काला धन जिसको कहते हैं, भ्रष्टाचार जिसको कहते हैं, इसका सिर्फ इन चीजों से बढ़ावा होता है। आपको बंद करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जो त्रुटि है उस त्रुटि के ऊपर काम होना चाहिए। पहले तो पंचवर्षीय के अंदर नीतीश जी ने पूरे बिहार में दारू बिकवाया, जो पहली बार इनकी सरकार बनी थी, एक एक आदमी को दारू की लगा दी। उसके बाद अब दारू बंद कर दिया, तो क्या वो दारू पीना छोड़ दिए हैं? 90% मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको प्रशासन के कर्मचारी ही दारू पीते हैं, यानी सरकारी अधिकारी दारू पीते हैं। लेकिन ये तो आप 90% बोल रहे हैं, लेकिन 10% जो है ये भी तो चांसेस है कि ऐसा नहीं है। हाँ, तो 10% तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, सब नहीं पीते। हाँ, तो फिर 100% तो हम किसी के ऊपर नहीं पीता। लेकिन इस तरह से हम किसी के ऊपर डायरेक्ट आरोप तो नहीं लगा सकते हैं ना, कुछ प्रूफ तो चाहिए होगा। प्रूफ है ना, आपको मीडिया के द्वारा ही आपको बहुत सारे प्रशासन के अधिकारी इस पंचवर्षीय के अंदर आपको दारू पी के नौटंकी करते हुए रोड पे पाए हैं, तो इससे बड़ा और क्या प्रूफ चाहिए? आज क्राइम होता है तो वो प्रशासन नहीं पकड़ता है, लेकिन दारू वाले को पकड़ता है। क्यों पकड़ता है? क्योंकि उससे आमदनी उसको मोटी होती है। आधा खुद पीता है, आधा सरकार के खाते में जमा हो गया या ब्लैक में बेच दिया, कमाई तो प्रशासन की बढ़ गई ना, इसे समाज में अपराध तो कम नहीं हुआ। लेकिन ये गलती तो एक प्रशासन की रही ना, क्योंकि नीतीश कुमार का तो साफ तौर पर कहना था कि उन्हें वोट ही इसलिए दिया गया है ताकि बिहार में शराबबंदी हो, क्योंकि जितनी भी महिलाएं थी उन्होंने ही उन्हें वोट दिया था और उनसे ये मांगी थी। बिहार के अंदर इतनी बढ़ी हुई है कि आपको कोई प्रशासन कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। कभी आपने देखा है प्रशासन को ईंट पत्थर लेके बरसाते हुए? देखा है? अब ऐसा होता है, अगर आप अपनी डिमांड किसी चीज की करने प्रशासन से जा रहे हो तो आपको बोलने की इजाजत नहीं है। जैसे मधुबनी में ही धरना स्थल पे आप बैठ जाओ, आपको माइक के लिए स्पष्ट बोल देगा कि ये नहीं बजाना है, लाउड स्पीकर प्रदूषण है। तो जनता जा रहा है डीएम कार्यालय में या डीएम ऑफिस के सामने धरना दे रहा है, उनको शोर से वो लग रहा है कि शोर हो रहा है यहाँ पे। मैं कह रहा हूं वो व्यक्ति धरना पे बैठ ही क्यों रहा है? लेकिन एक सेकंड, वो इसलिए बैठ रहा है कि आप उसकी प्रशासन नहीं सुन रहा है, विभाग नहीं सुन रहा है, तब वो उन मांगों को लेकर धरना पे बैठता है जी, बिल्कुल। आपका कहना तो सही है। आज पटना के अंदर ही रख लो ना आप, अच्छा, गर्दनीबाग में आप 6 महीने वहां पे धरना देते रहो, लेकिन 6 महीने में भी आपकी आवाज सरकार नहीं सुनेगी। तो ये स्थिति है कि आज हम
मतलब इनको सत्ता में आ गए तब से ये भूल गए कि लोकतंत्र का मतलब क्या है। लोकतंत्र का इनको अब लगता है कि राजतंत्र हो गया। आपका तो साफ तौर पर कहना है कि अगर धरना दे रहे हैं तो लाठियां बरसाई जा रही है, ईंट पत्थर से वार किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, आपका तो यही कहना है। लेकिन अगर लोग चाहें, ठीक है, अपनी 21 तारीख को, पिछले महीने 21 तारीख को मधुबनी उत्तरी ककरौल के अंदर एक बच्चे की हत्या हो गई, नवयुवक छात्र की, उसके विरोध में ग्रामीणों ने धरना दिया रोड के ऊपर, रोड जाम कर दिया। आप भी जानते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कई बार कह चुका हूं, हमारी पार्टी किसी भी बंदी का समर्थन नहीं करते, लेकिन एक माहौल ऐसा पैदा वहां पे हो गया, ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया। मुझे फोन किया, मैं गया, मैं ग्रामीणों को भी समझा रहा था कि ये सही नहीं है, आप हम दूसरी तरीके से सरकार से अपनी डिमांड मांगेंगे। ग्रामीणों को समझा भी चुके थे, प्रशासन को हमने मांग पत्र भी सौंप दिया, उसके बाद प्रशासन ने लाठीचार्ज किया। मेरे पास वीडियोग्राफी है, बकायदा प्रशासन पत्थर मार रहा है, मेरे पास थाना प्रभारी पत्थर मार रहा है, ये कभी आपने देखा है? मेरे पास रिकॉर्डिंग है। और उसके बाद जितने 8 आदमियों ने मांग पत्र में, हमने दो ही चीज मांगा था कि एक तो उस पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दे, और जिसने उस बच्चे की हत्या कर दी, पूरी गर्दन काट दिया उसको निर्दय तरीके से, उसको गिरफ्तारी हो। कोई क्या ये डिमांड करना, क्या लोकतंत्र में क्या खराब है? अभी देखिए धनेश्वर जी, मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई भी मांग करना ये गलत है, लेकिन हर किसी चीज़ का एक तरीका होता है। मांग तो बहुत सारी होती है, यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जिनकी कई सारे मांगे भी हैं, लेकिन एक तरीका भी तो होता है, शांतिपूर्ण भी तो धरना किया जा सकता है। तो अगर प्रशासन को ऐसा लगा कि हाँ यहाँ पर दिक्कतें आ रही है, यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से काम नहीं किया जा रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को जनता के सामने या फिर प्रशासन के सामने या फिर कहे तो जो सुशासन की राज है उसके सामने नहीं रखा जा रहा है, तो पुलिस प्रशासन कुछ ना कुछ हथकंडे तो अपनाएगी ही। ऐसा है कि ग्रामीण सीधे साधे होते हैं, उन्हें नहीं पता कि हम रोड जाम करेंगे उसका रिजल्ट क्या होगा, किसको क्या वो होगा। खेती गृहस्थी करते हैं, बिहार में 90% इलाका वैसा ही है खेती गृहस्थी का, 10% भी नहीं है कि उद्योग तो है ही नहीं यहाँ पे। जी जी, तो कृषि प्रधान ये राज्य है, इसके अंदर बेचारों को खेती करने से फुर्सत नहीं है अपने उसी में, तो वो क्या जानने गए कि भाई रोड हमने जो जाम किया इसका क्या रिजल्ट होगा। जब सब चीज समझा दिया गया था तो लाठी चार्ज करने की जरूरत क्या है? खोलने ही वाले थे रस्सी, उसके बाद लाठी चार्ज कर दिया। अब कोई अचानक से कोई असामाजिक तत्व, कोई लड़का आके एक पत्थर मार देता तो उसका क्या रिजल्ट आप सभी समाज को दोगे? क्या ऐसा संविधान में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति ने खून किया तो उसके बदले सारे ग्रामीण को फांसी पे चढ़ा दो? ऐसा वहां हुआ है, किसी एक बच्चे ने पत्थर मारा, उस बच्चे को बढ़िया से प्रशासन ने पीटा, अच्छा जी, और उसको अरेस्ट भी कर लिया, तो वहां बात खत्म हो जाती है ना। फिर ग्रामीणों के ऊपर लाठी चार्ज करना तो गलत है ना। लेकिन हो सकता है पुलिस को ऐसा अंदेशा हुआ हो कि हाँ अगर एक बच्चा जो है वो नॉर्मली तो ऐसे पत्थर फेंकेगा नहीं ना, बदले की भावना से उस कार्रवाई करी। लाठी चार्ज कर दिया प्रशासन ने, मैं मान लेता हूँ, फिर ईंट चलाने का क्या मतलब है प्रशासन का? अच्छा, आप कह रहे हैं कि बदले की भावना से, क्या मैं ये जान सकती हूँ कौन सी बदले की भावना? पहली बार वो लोग आए थे तो प्रशासन पे कुछ बच्चों ने पथराव कर दिया था, जो काफी चैनलों पे इसका दिखाया भी गया था। जब मैं पहुंचा तो वहां वो बात खत्म हो चुकी थी, मैं यही समझाया था। डीएसपी साहब आए, उससे बातचीत हुई मेरी बहुत अच्छी तरीके से। डीएसपी साहब ने कहा आप मांग पत्र दे दीजिए, मैं आगे बात करता हूँ। हमने मांग पत्र दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया जनता ने? जी बिल्कुल नहीं, अगर आप मांग पत्र दे रहे हैं तो वो सही है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। भाई शांतिपूर्वक तक मैं खुद इस चीज का समर्थन करता हूँ ना, मैं तो धरने रोड जाम करने के बिल्कुल पक्ष में ही नहीं, और यदि मुझे इसकी जानकारी रहती कि वहाँ रोड जाम कर दिया गया तो मैं शायद वहाँ जाता भी नहीं। हाँ तो यहाँ तो गलती तो थी ना ग्रामीणों की, गलती थी तो उसकी गलती की क्या मतलब है? 600 आदमियों पे आप केस दायर कर दो, 600 ग्रामीणों के ऊपर केस दायर कर दिया गया है, जो कि वहाँ पॉपुलेशन नहीं है उस गाँव की 600, तो ये क्या प्रशासन की गुंडागर्दी नहीं है? अगर आप इसे प्रशासन की गुंडागर्दी कह रहे हैं और अगर वहां पर 600 लोग नहीं है, 600 ग्रामीण वहां पर नहीं है, तो क्या आपने इसकी भी शिकायत की कहीं? बिल्कुल शिकायत किया है मैंने, अभी धरना देके वहां पे मधुबनी के अंदर मैंने डीएम साहब को इसका दिया है जानकारी कि ये चीजें गलत हैं। उस पर कार्रवाई हो रही है क्या? मैंने क्या कहा?
अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा, ये हाल है अभी बिहार का। कोई सुनवाई नहीं है, किसी चीज की सुनवाई नहीं है। अगर सुनवाई होगी तो लोग धरना पे बैठेंगे क्यों? तो आपको क्या लगता है कि इसके लिए क्या करना चाहिए जिसके वजह से राज है बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी की बहार खत्म हो गई है। नीतीश कुमार जी से बिहार नहीं संभल रहा, यही कड़वी सच्चाई है। ये तो आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है, लेकिन अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की तो उसमें तो सारी सीट एक सीट को छोड़कर सभी की सभी सीटें किसके खाते में गई है। ये फिर से कहने की मैं भाजपा की कह रहा हूं, मतलब भाजपा की वजह से उस देश के सैनिक को मरवाओ और उसके बाद लहर बनाओ, यही हुआ था लोकसभा चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं था चुनाव में आने का, तो आसानी से पुलवामा हमला करवाया गया जिस भी तरीके से हुआ। लेकिन पुलवामा हमले के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक भी तो हुआ, इसीलिए तो हुआ ना। चार मतलब वो वोट बैंक था, पाकिस्तान में जाके आपने चार पेड़ को मार के गिरा दिया। अरे हमारे 44 जवान शहीद हुए, उसकी लाशें मिली, उसके मैं कह रहा हूँ मांस का टुकड़ा ही मिला। लेकिन आप जो 600 आदमियों को बोल रहे हैं हमने उग्रवादियों को मार दिया, क्या उसके जूते चप्पल कुछ भी नहीं थे वहां? लेकिन जमीन ये बात खा गई वो 600 आदमियों को या आसमान निकल गया? ये बात भी तो सामने आई थी ना कि उसे साफ कर दिया गया था, वहां से हटा दिया गया था, और यही रीजन था कि वहां पर मीडिया को जाने नहीं दिया गया। ऐसा है कि बीबीसी एक समाचार दुनिया में एक ऐसा फेमस समाचार है कि आपको जम्मू कश्मीर में अभी आपको आर्टिकल 370 हटाने के बाद किसी मीडिया ने कोई खबर नहीं दिया, लेकिन बीबीसी ने दिया। और बीबीसी समाचार ने भी कहा कि वहां कोई नहीं हुआ, कुछ भी घटना नहीं हुई है, चार पेड़ शहीद हुए हैं। और क्या कहते हैं आपको, पाकिस्तान की एक मीडिया ने नहीं कहा, हिंदुस्तान की एक मीडिया बस यही चिल्ला रहे हैं, लेकिन आप कोई प्रूफ नहीं प्रस्तुत कर रहे। पाकिस्तानी कहेंगे ही क्यों, पाकिस्तानी जो मीडिया है वो तो आप भी जानते हैं उन्हें कि बस वो पाकिस्तान का गुणगान करते हैं, चाहे बात वो पाकिस्तान के गुण की बात हो या नहीं हो, अगर वहाँ कुछ बुरा भी हो रहा है तो लोग वहाँ पर इंडिया को ही कोसते हैं, कुछ अगर इंडिया भी कुछ अच्छा कर रहा है तो वहाँ पर भी गलत चीज देखा जाता है। आपको बता दूं कि जितने नेशनल न्यूज है अभी भारत के अंदर वो सिर्फ मोदी भक्ति करते हैं, विपक्ष से सवाल नहीं पूछते हैं। आज के टाइम में सत्ताधारी विपक्ष से सवाल पूछते हैं और सत्ताधारी की पक्ष में वो बातें करते हैं, आप कोई चैनल खोल के देख लो। लेकिन विपक्ष के लोग तो डिबेट में भी तो जाते हैं। गोदी मीडिया क्यों आज, कभी मीडिया के ऊपर इससे पहले सवाल नहीं उठते थे? हर चैनल पर तो नहीं है ना सर, हर चैनल पर तो नहीं है ना। मैंने नेशनल न्यूज, हाँ नेशनल में भी हर चैनल नहीं है, ठीक है, और ठीक है वो जो भी हो, एनडीटीवी को छोड़ के बाकी सभी चैनलों का वही हाल है। चलिए ठीक है सर, एक सिर्फ चैनल, ठीक है सर, ये तो बातें हुई मीडिया की, लेकिन आप अगर बात कर रहे हैं गोदी मीडिया की तो सर सभी लोग वैसे नहीं होते, एक जैसे नहीं होते हैं। और अगर आपका कहना है विपक्ष 99 आपको क्या कहते हैं बेईमानी हो गया, एक ईमानदार उस बेचारी की क्या चलेगी? ईमानदार तो है ना सर, ईमानदार तभी दुनिया चल रही है ना जी। जिस दिन सारे बेईमान हो जाएंगे दुनिया भी खत्म हो जाएगी। चलिए ठीक है, हम इस कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाते हैं। और जैसा कि आपने अभी इस वक्त बात किया हमसे धारा 370 हटाने का, तो आपको क्या लगता है धारा 370 हटाना क्या सही है या गलत आपके हिसाब से? देखिए सही है गलत है मैं ये नहीं जानता हूँ। मैंने एक चीज का समर्थन किया धारा 370 का, उन्होंने घोषणा पत्र में दिया था भारतीय जनता पार्टी ने कि हमारी सरकार बनेगी तो हटाएंगे, तो मैंने इसके लिए उनको धन्यवाद दिया। धारा 370 तो हिंदुस्तान के कई राज्यों में लगा हुआ है, तो सिर्फ हम जम्मू कश्मीर को ही क्यों जोड़ के देखते हैं? मैं तो ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आज भी आपको बॉर्डर पे सैनिक मरा है, तो डेली आप सैनिकों को मरवा रहे हो ना, अपनी दाल रोटी सेक रहे हो ना, एक बारी हो जाए हिंदुस्तान पाकिस्तान का आर पार। धारा 370 सर और कौन से राज्य में है, और कौन से राज्य में है? देखिए जम्मू कश्मीर तो एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा राज्य है जो कि देखिए उसे एक अलग राज्य का दर्जा उतर गया, कई राज्य हैं जहां धारा 370 है। ठीक है सर बात तो सुनिए, जम्मू कश्मीर एक ऐसी राज्य है जो कि वो भारत से ही अलग नहीं माना जाता था, ठीक है भारत में है लेकिन उसकी एक अलग ही वो हर चीज एक अलग था, अपना अलग संविधान था, अपना अलग झंडा था। धारा 370 तीन चार राज्यों में लागू है।
ठीक है सर, वो चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं तो हो सकता है होगा, लेकिन से उतर रहा है उन राज्यों के नाम मैं अभी आपको बता, अच्छा ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर का बात अलग है, ये हर कोई जानता है, वो बॉर्डर है वहां पर भारत पाकिस्तान का, वहां आए दिन हमले होते रहते हैं, हमारे सैनिक मर रहे हैं, इनफैक्ट पाकिस्तान के भी तो सैनिक मर ही रहे हैं ना, धारा 370 हटाना जरूरी था क्योंकि वहां पर विकास नहीं हो रहा था। तो फिर आप कांग्रेस की सरकार को क्यों कोस रहे थे? हमने सर कांग्रेस की सरकार को इसलिए नहीं कोसा था, 370 जो है हम बिल्कुल इसमें बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। अगर आप मेरी बात करें तो फिलहाल मुझे तो यहाँ जवाब देना नहीं है, मुझे तो बस यहाँ पर पूछने के लिए बैठाया गया है, तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि इस पर इतनी सारे बातें हुई, कई लोग कह रहे हैं कि धारा 370 हटाना ये एक वोट बैंक का तरीका था, और कई लोग कह रहे हैं कि चलो ठीक है जो भी तरीका हो जिस लिए भी किया गया हो, लेकिन ये एक अच्छा है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो कि अब एक भारत में ही वो आ गया, अब उसका कोई अलग में आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं, याद दिलाया था ना सर, प्रॉपर्टी ठीक है सर, प्रॉपर्टी हो गया ना, लेकिन सर बात यह है कि वहां पर देखिए सर, जम्मू कश्मीर की बात यह है कि उसका एक अलग संविधान था, एक अलग झंडा था जो जो कि उससे भारत से थोड़ा अलग कर रहा था, जो वहां का एग्रीमेंट था उस जमाने के अंदर की, मैं उस पे जाना नहीं चाहता हूँ। अगर सब चीज ठीक ठाक हो गया तो फिर सभी चीजें खुल जानी चाहिए ना जम्मू कश्मीर में। जी बिल्कुल बात सही है, जो थी जो उग्रवादियों की संगठन था, उग्रवादियों के पक्ष में बात करती थी, उसी से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाया था ना जम्मू कश्मीर में, थोड़ा तो भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली हुई पार्टी कैसे हो गई? दूध की धुली हुई पार्टी नहीं है, देखिए यहाँ पर तो जितने भी नेता होते हैं और जितने भी पार्टियां हैं वो तो सब एक दूसरे के साथ मिली हुई ही रहती है। ठीक है आज कोई किसी का समर्थन नहीं कर रहा है, कल जब जरूरत होगा तो वही पार्टी जो है वो अलायंस कर लेती है, तो हम ये भी तो भरोसा नहीं कर सकते हैं ना। 99 में हाईजैक हुआ था ना, जी हुआ था, क्यों सर? ठीक है वो बहुत पहले की बात है, उस टाइम को और सरकार थी, फिलहाल अभी हम लोग को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही क्यों छोड़ा जाता है? सर कांग्रेस के टाइम में भी तो बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन बात ये था कांग्रेस के टाइम में बहुत चीज हुआ, मैं कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान को ही लूट के खा गया, चलिए आपकी बात मैं मान लेता हूँ, तो आज विकास दर, विकास पुरुष नरेंद्र मोदी यही कह के आए थे ना भारत में चुनाव 2014 के चुनाव में, कुछ नहीं दिखता है तो आओ हमारा गुजरात देखो कितना हमने विकास कर दिया, तो गुजरात का मॉडल आपने पूरे हिंदुस्तान को दिखा दिया, तो जो 10.2 पॉइंट विकास दर थी अभी इस हफ्ते के अंदर आपको 5 पे आ गया है, सीधे आधे पे आ गए, प्रतिदिन आप नीचे गिरते जा रहे हो, विकास कैसे हो सकता है जिस देश के अंदर प्रधानमंत्री खड़े होके ये क्या कहते हैं लाल किला पे खड़ा होके कहे कि हमने 3,00,000 कंपनियों की मान्यता रद्द कर दी, तो उस देश का कभी विकास हो सकता है? चाहे देश हो राज्य हो या कोई भी जगह हो, जहां पे रोजगार के साधन बंद होंगे विकास दर भी नीचे जाएगा। जी बिल्कुल, ये तो धारा 6,00,000 एक सेकंड, अब धारा 370 को हटाइए ना, वो वहां की सिरदर्दी है, ठीक है, जो मेन मुद्दा है इस देश की अभी मैं समझता हूँ रोजगार है, विकास है, मैं धारा 370 से कोई इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, वो वहां की समस्या है, वहां क्या हो रहा है मुझे उससे है, तो सर भारत का ही ना, अरे मैं उसपे क्या, चले ठीक है हम मानते हैं कि आप धारा 370, ठीक है सर आप धारा, सर हम देशभक्ति तो कर सकते हैं ना, छोड़िए ना वैसी देशभक्ति हम लोग नहीं करते, ठीक है सर आप नहीं करते होंगे और लोग, मैं वैसी देशभक्ति, चले ठीक है, नौटंकी गिरी हम नहीं करते हैं, नौटंकी गिरी भारतीय जनता पार्टी को ही मुबारक हो, यानी कि देशभक्ति के नाम पे मॉम लिंचिंग गाय गोबर ये सब नहीं करते, क्योंकि गाय गोबर से देश नहीं चलेगा, समाज हमारा नहीं चलेगा, मॉम लिंचिंग से देश नहीं चलेगा, आज कितनी हत्याएं हुई हैं मॉम लिंचिंग से, किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की देन है ये, आज किसी को भी एक भीड़ इकट्ठा किया जाता है और भीड़ इकट्ठा करके उसको पीटना चालू कर दिया जाता है, आपको पता है कि मेरे इस 2019 का लोकसभा चुनाव के बाद मुझे मारने की साजिश रची गई, 2 महीने में मेरे गांव में जितनी शादी ब्याह हुआ है उस शादी ब्याह के अंदर सिर्फ मेरे दरवाजे के ऊपर दारू पिला के 50-100 लड़कों को डीजे बजाना, वहां पे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाना, ये क्या है, क्या के लिए है? आपने इसके लिए किसी शिकायत की करा? शादी की अंदर मैं इसलिए शिकायत नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि जो ये बच्चे हैं इनकी लाइफ खराब हो जाएगा,
इनके पीछे मास्टरमाइंड कोई और है। लेकिन आप तो कह रहे थे शिकायत होने के बाद कार्रवाई होती नहीं है। आप तो कह रहे थे शिकायत होने के बाद यहाँ कार्रवाई होती ही नहीं है, प्रशासन जो है वो बहरी हो जाती है, वो भी बात हो सकती है, कैसे खराब हो जाती, वो भी बात हो सकती है, क्यों नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, आप क्या है सर कि बहुत सारे मुद्दों को, अगर मान के चलिए मैं आपको बताऊं, थाने में ही जाऊं एफआईआर दर्ज करा दूं, तो जो बच्चा स्टूडेंट है पढ़ रहा है उसकी तो आपको उसके करेक्टर पे तो दाग लग गया ना, क्या उसको सरकारी सर्विस मिल सकती है। हाँ बिल्कुल सही है, तो इस कारण से तो ऐसे तो सर कार्रवाई हो ना हो लेकिन एक बार एफआईआर दर्ज हो गई तो अपराध पर नियंत्रण कैसे होगा सर। अरे भाई नियंत्रण मेरी सरकार नहीं है, अपराध पे नियंत्रण बहुत आसान तरीका है लेकिन सरकार के बस की नहीं है। आप रोजगार के साधन जुटाओ ना, विकास का काम करो, इंडस्ट्रियां खुलेंगी, लेकिन अभी तो एक बाढ़ सी आ गई है देश के अंदर मोदी सरकार में, इस कंपनी को बंद करो, उसको बंद करो, ये चोर है वो बेईमान है, इसके अलावा आपने कुछ किया है। अरे चोर बेईमान को ईमानदार बनाओ ना। अगर जैसे 3 लाख कंपनियों की मान्यता रद्द कर दी, मैं कह रहा हूँ उसको 6 महीने का टाइम देते आप, 6 महीने में जो भी त्रुटि है उसको दूर करो और अपनी कंपनी चलाओ, तो उससे रोजगार बरकरार रहता ना देश के अंदर, तो ये सिस्टम होना चाहिए। और रही बात आपको मैं एक बता दूं विकास दर की, मैं समझता हूं विकास दर जब तक अपने मेरे नजर के अंदर, अपनी अपनी राय है सबकी, मैं 2 चीज के अंदर समझता हूं कि हिंदुस्तान का सारा पैसा बर्बाद होता है। पहला प्राइवेट शिक्षा, शिक्षा में आप चले जाएं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आपकी सारी जीवन की कमाई उसकी पढ़ाई में लग जाती है, तो आप जोड़ ही नहीं पाते कि हम कुछ आगे तरक्की के लिए या कुछ प्रोग्राम तय करें। अगर 5 साल में एक बार कोई ऐसा कोई बढ़िया सा बीमार पड़ गया घर में कोई सदस्य, तो आपने जो भी इकट्ठा किया हुआ तो जाके प्राइवेट नर्सिंग होम वाले को जमा कर दो, तो क्या इससे हमारा देश विकास करेगा। आपको बता दूं हिंदुस्तान के अंदर जो अभी आयुष्मान भारत योजना है, 5 लाख का बीमा जो मोदी जी कर रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है। कोई देश का आदमी जो है 5 लाख नहीं मांग रहा है मोदी जी से, वो मांग रहा है बेहतर स्वास्थ्य। उसके लिए हर ब्लॉक के अंदर एक सरकारी अस्पताल खुला हुआ है, जिले में सरकारी अस्पताल खुला हुआ है, उसके अंदर आप आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराएं, उसको इलाज कराए तो सरकार का भी पैसा बचेगा। तो ये बंदर बांट जो है आप प्राइवेट संस्था को दे रही है सरकार 5 लाख का आयुष्मान योजना। मेरे जिले के अंदर भी है क्रिप्स हॉस्पिटल प्राइवेट। चलिए सर, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा रोकती हूँ और मैं कहना चाहती हूँ, आपसे भी कहना चाहती हूँ कि ये जो हम लोग बातें कर रहे हैं वो एक ही टॉपिक पर लेकर के, वो एक ही टॉपिक पे बहुत सारी बातें आ जा रही हैं, तो मैं चाहूंगी कि एक टॉपिक को पहले हम लोग लेते हैं और उस पर हम लोग बात को क्लियर करते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक पर जाते हैं, क्योंकि एक ही बार धारा 370 हो गया और उसके बाद बहुत सारी बातें इसमें आई, अर्थव्यवस्था आई, रोजगार आई, लेकिन किसी भी मैटर पर बातें क्लियर नहीं हो पाई हैं। और इसलिए मैं चाहूंगी एक बार फिर से, अगर हम लोग बात करते हैं धारा 370 के बाद अर्थव्यवस्था की, तो बिल्कुल जो इस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था है वो डगमगा गई है, मंदी वाली स्थिति है हमारे भारत में, तो इसके लिए आपको क्या लगता है कि अब सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए। चलिए ठीक है, आपकी सरकार अभी नहीं है, लेकिन अगर आपकी सरकार होती तो आप क्या करते। कुछ तो हमारे पड़ोसी देश चीन से सीखना चाहिए। चीन आज नंबर 2 पे इसलिए है और शायद बहुत जल्दी नंबर 1 भी बन जाए, क्योंकि वहां पे छोटे छोटे लघु उद्योग बहुत है, हर घर में काम है, हर घर के व्यक्ति काम करते हैं। लेकिन भारत के अंदर क्या हो रहा है कि जितने छोटे छोटे उद्योग हैं उसको सबको बंद कर दिया जा रहा है, केवल 3-4 उद्योगपतियों के लिए भारतीय जनता पार्टी मोदी जी उनके लिए काम कर रहे हैं। आज वो देश की जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, भले आप लोग किसी के समर्थक, उसमें मुझे कोई बहस नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है वो यही सच्चाई है। 3.5 लाख करोड़ रुपया आप 16 उद्योगपतियों का माफ कर देते हैं, लेकिन वहीं पे 10,000 रुपए का किसान का लोन आप माफ नहीं कर रहे हैं। तो 3.5 लाख करोड़ रुपया आपने किसकी धन माफ किया, वो धन आप जुटाएंगे कहां से, इस देश की गरीब जनता से आप फिर पैसा वसूल करेंगे ना बराबरी करने के लिए। तो देश की जनता को अब मोदी जी मूर्ख बनाते हैं ना आलतू फालतू की बातें करके। रोजगार का आपको अपने भारत के अंदर आंकड़े देना भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? जी बिल्कुल। आपको आरटीआई, जो मैं समझता हूं आम आदमी का एक बहुत बड़ा हथियार था, उसको आपने कमजोर कर दिया। क्यों कमजोर कर दिया? कि
क्या आपको लग नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही सरकार चला रही है, आम जनता का हक जो है वो छीन लिया है? ऐसा कौन सा छह साल, चलिए छठे साल में मोदी जी की सरकार हो गई है, मुझे आम जनता के लिए, जिससे आम जनता का हाथ मजबूत हो, मुझे आप एक नरेंद्र मोदी जी का काम बता दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, पत्रकार हैं आप, बेहतर जानती हैं। पूछना तो सर मेरा काम है, बताना आपका काम है। पूछ सकता हूं ना आपसे? जी बिल्कुल, आप बाहर में पूछ लीजिएगा, इसके बाद ऑफ कैमरा हम लोग बातें कर लेंगे। आप यदि मेरे से पूछते हैं तो मैं जानता हूं कि एक भी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम जनता के हित के लिए नहीं किया है। लेकिन आम जनता जो चाह रही थी, खास करके धारा 370 35A ये हटा, उसके बाद राम मंदिर निर्माण पर भी काम हो रहा है। और बहुत अच्छा आपने धारा 370 पे कहा, भी भारतीय जनता पार्टी के लोग आप न्यूज चैनल में मीडिया में खूब बोल रहे हैं कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर रोजगार बढ़ेगा। चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हम जम्मू कश्मीर को साइड में कर देते हैं, बिहार में तो धारा 370 लागू नहीं है ना जब से देश आजाद हुआ है, तो फिर हमारा ये बिहार इतना पिछड़ा क्यों है और यहाँ पे रोजगार क्यों नहीं है? मूर्ख बना रहे हैं ना देश की जनता को और वहां की भी जनता को। नोटबंदी हुई थी तो क्या उनका, मोदी जी का और मोदी जी की सारी टीम का बयान था कि इसके फायदे सिर्फ मुझे 50 दिन दे दो, आपको रिजल्ट सामने आएगा। GST लागू किया, क्या इन्होंने कहा कि इसके फायदे आपको कुछ दिन बाद नजर आएंगे? क्या फायदा हुआ कि आपकी 10% 10.2 पॉइंट जो था वो आपका 5% आ गया? ये फायदा हो रहा हमारे देश को? आपकी नीति कहीं ना कहीं, जब पूरी दुनिया में मंदी छाई हुई थी तो मनमोहन सिंह की सरकार ने भारत पे कोई असर नहीं पड़ने दिया था उस मंदी का। ये चीज आप लोगों ने देखा होगा। देखिए टीवी चैनल पे आके और मन की बात बोलने से देश नहीं चलता है। देश चलता है एक आपको मास्टर प्लानिंग करना पड़ेगा, आपको अपने, वैसे तो इनकी टीम में कोई ऐसा अकलमंद है ही नहीं, मैं नहीं समझता हूं, क्योंकि सबके दिमाग में गाय गोबर भरा हुआ है, हिंदू मुसलमान। मैं कह रहा हूं मेरे ही दिमाग में, मैं थोड़ी देर के लिए पार्टी को हटा दीजिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी पार्टी को, मैं दिन रात सोचता हूं कि मुझे हिंदू मुसलमान को लड़वाना है, तो मेरे दिमाग में तो 24 घंटे वही हिंदू मुसलमान, कैसे मुझे वोट की बैंक की राजनीति करूंगा? आपको जानकारी नहीं है कि मैं 1999 में भारतीय जनता पार्टी का ही सपोर्टर था और सन 2000 में मैं उससे नफरत करने लगा। क्यों नफरत करने लगा आज आपको बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। यही पटना कार्यालय में किसी की पैरवी के लिए आया था मैं टिकट के जी, और एक घंटा पार्टी ऑफ इसके अंदर 2000 में विधानसभा के चुनाव होने थे, एक घंटा पार्टी कार्यालय में बैठा, वहां पर यही नौटंकी सब आपस में बात कर रहा था कि कैसे हम लोग हिंदू मुसलमान करें और हमें वोट मिले। मैं उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी से नफरत करने लगा कि ये गंदी पार्टी है, गंदी इसकी राजनीतिक है। तो ये देखिए, हिंदू मुसलमान करके देश हमारा विकास नहीं कर सकता। दुनिया का कोई भी मुल्क हो जिसके अंदर जातिवाद की बीमारी फैली हुई है, वो मुल्क कभी नंबर वन बन नहीं सकता है। मैं इस लोकसभा चुनाव की आपको बात कर रहा हूं, मैं एक गांव में गया, ब्राह्मण की बस्ती थी, 15-20 ब्राह्मण बैठे हुए थे, बुजुर्ग थे, पीपल के पेड़ के नीचे, मुझे देखते ही भड़क गए क्योंकि मेरा बयान पेपर में एक आध पढ़ते होंगे, और एक दो मुसलमान मेरे साथ था, उनको देख के बोलता है क्या आपको पाकिस्तान बनाना है, आप चले आए वोट मांगने। मैं कहता हूं, मैंने उनसे कहा एक चीज मुझे आप बता दो, 20 करोड़ से करीब मुसलमान है आज भारत में जी, यदि नरेंद्र मोदी या सारी नरेंद्र मोदी की टीम या आपका गांव यदि ये गारंटी दे दे मुझे कि मैं 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदुस्तान से भगा दूंगा तो मैं आपके साथ हूं। कहता ये तो संभव नहीं है, तो मैंने कहा ये आग लगाने वाले लफ्ज क्यों आपके मुंह से निकले, हिंदू को भी यही रहना है, मुसलमान को भी यही रहना है, तो फिर ये क्यों? यही तो हमारी एकता है, ये एकता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये हमारे देश की एकता को तोड़ने की राजनीति है ना भारतीय जनता पार्टी की, ठीक है? आप सबको लेके चलो ना साथ, जी बिल्कुल, नाम बोलते हो सबका साथ सबका विकास, तो फिर एक भी 543 सीट में एक मुसलमान कैंडिडेट मुझे भारतीय जनता पार्टी में कोई बता दे।
ट्रिपल तलाक बिल जो पास हुआ वो तो मुस्लिमों के लिए थी, राजनीति का वो सब मुझे मत समझाओ। पहले नरेंद्र मोदी को कहो कि अपनी घरवाली को जो छोड़ा है उसको पहले क्या इंसाफ दे रहा है। वो ट्रिपल तलाक की भाषा मेरे से आप मत बोलो। अगर बेचारी की सारी जिंदगी तबाह कर दी एक शादीशुदा औरत की, बहुत सारे अरमान होते हैं हर के। कभी 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे मोदी जी, कभी उन्होंने ये पर्चे में भरा ही नहीं कि मैं एक शादीशुदा व्यक्ति हूँ। तो इससे भी बड़ा कोई फ्रॉड प्रधानमंत्री भारत में कभी बनेगा? लेकिन झूठ के अलावा नरेंद्र मोदी जी की कोई कहानी है ही नहीं। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ आपको भारतीय जनता पार्टी के विषय में, आप वही घुमा फिरा के ले आ रहे हो। चलिए ठीक है, बिल्कुल नहीं, लेकिन आप भी तो घूम फिर करके वही आ जाइएगा ना। चलिए, भारतीय जनता पार्टी ये करती है, भारतीय जनता पार्टी वो करती है। चलिए ठीक है, हम लोग बातें करते हैं अर्थव्यवस्था की। आपने बातें की नोटबंदी की, तो क्या आपको ऐसा लगता है क्या कि नोटबंदी जो है वही कारण बनी आज के अर्थव्यवस्था के गिरने की? बिल्कुल बिल्कुल। आपको मैं याद दिला दूं, 8 नवंबर की रात्रि को नोटबंदी किया गया था 2016 में। मैंने 15 मिनट बाद फेसबुक पे अपना कमेंट पोस्ट किया था कि ये नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा गलत कदम है। आप ये सोचो ना, आपने एक मकान बनाया, एक दुकान चलाई किसी भी चीज की, और एकदम से उस दुकान में आप ताला लगा दो 2 महीने के लिए। 2 महीने बाद क्या वो ग्राहक आपके पास आएंगे, और क्या उन ग्राहकों की हालत रहेगी, और क्या आपकी हालत रहेगी? आप एक छोटा सा सवाल है। नरेंद्र मोदी जी ने 2 महीने के लिए पूरे हिंदुस्तान में ताला लॉक कर दिया, यानी सारे के काम काज बंद कर दिए। तो इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है ना। आज तक दुनिया में जितनी कंट्री में नोट को बंद किया गया है वो कंट्री अभी तक आज तक नहीं हो रही है, ये रिकॉर्ड है। देखिए, आप एक बड़े पद पे जाते हैं ना तो आपकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उनके पास इतना भी ज्ञान नहीं आया कि सारे विभाग सारे डिपार्टमेंट बंधे हुए हैं और उनकी सलाह के बिना कोई काम नहीं मुझे करना चाहिए। नरेंद्र मोदी सिंगल अमित शाह अपने दिमाग से चलते हैं, ये किसी से पूछते नहीं। आखिर भारत के इतिहास में आपने देखा होगा आरबीआई गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया है नरेंद्र मोदी के टाइम में। ये आज तक भारत में इतने बड़े औहदे को कोई हासिल करके सीबीआई 2 बजे रात में उसको हटा दिया जाता है, कभी सुना आपने? भारत में ऐसा भी हुआ है? तो ये मोदी जी के टाइम में जितने काम होते हैं ना रात के 12 बजे ही होते हैं, 12 बजे के बाद। तो सिस्टम क्या है अपने देश का देख लीजिए। तानाशाही है ना, आप किसी को जब मर्जी हो कि मैं आधी रात को, एक सिस्टम है ऑफिस का टाइम होने दीजिए, आप हटा दीजिएगा। रात के 12 बजे हटा दिया, रात के 2 बजे हटा दिया, सीबीआई चीफ को हटा दिया, तो ये तो अच्छी बात है ना, वो दिन का काम पहले ही रात में कर ले रहे हैं। अरे वाह अरे वाह, दिन में तो मन की बात करने से फुर्सत नहीं मिलती। अच्छा, अगर हम ये कहे कि जो काम वो दिन में करने वाले हैं अगर वो रात में कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या? हाँ, ये गलत हो सकता है कि जो वो काम कर रहे हैं वो गलत हो, इस पर आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन वो दिन और रात में क्या फर्क पड़ता है? देश की जनता को जवाब देना चाहिए ना कि ऐसा क्या वो लूटने वाला था, क्या भारत का खजाना लेके विदेश में भागने वाला था? अरे जो भागा उसको तो आपने पकड़ा ही नहीं। आपको अच्छी तरह से जानकारी है, हम एक एक व्यक्ति को जानकारी है कि विदेश भागने के लिए हमें पासपोर्ट की जरूरी पड़ती है, वीजा की जरूरत पड़ती है जो मंत्रालय से पास होता है जी, बिल्कुल। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कम से कम 20-25 या पता नहीं कितने आदमी भागे हैं बैंकों का पैसा लेके, तो ये वीजा तो आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको इशू किया ना। तो चोर कौन हुआ, वो व्यक्ति भागने वाला या भारतीय जनता पार्टी उसको वीजा देने वाला? और अरुण जेटली जी से तो 2-2 माह से मिलके गए हैं, 1 घंटा पहले या 1 दिन पहले। अपने रो मोदी की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अगर आपका ये क्या मिलके नहीं गया? हाँ, विजय माल्या भी थे। और विजय माल्या किस पार्टी का था और नीरज मोदी किस पार्टी का था? मतलब आपका साफ तौर पर यही कहना है कि बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ था इसमें। बिल्कुल है। अरे आप मुकुल राय को रख लो ना बंगाल में, यही भारतीय जनता पार्टी है। चीट फंड घोटाले के अंदर आपको पूरे बंगाल के अंदर रोड पे आ गई कि मुकुल राय भ्रष्टाचार है, लूट लिया। और वही जब ममता बनर्जी ने उसको अपनी पार्टी से निकाल दिया तो अगले दिन भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली मुकुल राय ने, गंगा जल की तरह पवित्र हो गए। यही भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है जी। चलिए, तो हो गई भारतीय जनता पार्टी के इतिहास की बात जो आपने अभी हमारे जनता को बताया। लेकिन इसके बाद भी अगर अब हम बातें करें रोजगार की, जो
हमारे युवाओं की बहुत बड़ी उनके लिए समस्या है, तो ये कैसे आखिर यहाँ पर खत्म की जा सकती है? खत्म तो नहीं, लेकिन कम से कम कुछ रोजगार तो जरूर यहाँ पर सृजित किया जा सकता है। उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? छोटे छोटे उद्योग लगेंगे तभी संभव है। छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग जब तक भारत में नहीं, फिर से जो मुझे अच्छी तरह से याद है इंदिरा गांधी जी के टाइम में ये घर घर में दिल्ली के अंदर, मैं भी नौकरी किया हुआ हूँ, तो वहाँ कारखाने छोटे छोटे घरों में लगाए जाते थे। वो जब तक सिस्टम नहीं चालू होगा तब तक आपको विकास हमारा नहीं कर सकता, बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती है, ये कड़वी सच्चाई है। और सिर्फ हम 3-4 उद्योगपति की गुलामी करने में बैठ गए हैं तो देश हमारा बर्बाद आज भी होगा और कल भी होगा, ये कड़वी सच्चाई कह रहा हूँ आपको जी। लेकिन अगर हम बात करें अपने बिहार की, तो बिहार के जो युवा हैं वो ज्यादातर सरकारी नौकरी में वो अपना भविष्य ढूंढते हैं, तो फिर उनके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? सरकारी नौकरी के अंदर ही है ना, क्या शिक्षा का ग्राफ है सरकारी स्कूलों का देख लो, और एक बारी सरकारी नौकरी मिल गई तो लोग सोचता है मेरी लाइफ सेट हो गई, क्योंकि उसको पता है हरामखोरी जितनी है तो सरकारी विभाग में ही है। सर, इसके पीछे का एक और भी तो रीजन है, क्योंकि सरकारी नौकरी का मतलब हुआ कि हम एक जगह सेटल हो गए, और हर युवा चाहता है सेटल होना, और प्राइवेट में क्या है सर, सेटल होना चाहता है। हम नेता को बड़ी जल्दी गाली देते हैं जी, बिल्कुल। तो आप राजनीतिक से दूर क्यों भागते हो? बोलते हो यार पैसा नहीं है, पैसा नहीं होता सब जगह काम। मैं तो कहता हूँ विधानसभा चुनाव 1,00,000 रुपए में बहुत अच्छी तरीके से लड़ लेगा आदमी, 2,00,000 रुपए में लोकसभा चुनाव लड़ सकता है, बढ़िया। लेकिन आप कुछ करोगे तब तो, सवाल है कि 1,00,000-2,00,000 की तो भी इकट्ठा हो जाते हैं चंदा के माध्यम से, आपका करेक्टर अच्छा है। मैं कह रहा हूँ सब आदमी देश के विषय में सोच रहे हो तो देश के विषय में कैसे सोचोगे? क्या सिर्फ अपने घर में व्हाट्सएप पे बैठ के या फेसबुक पे बैठ के या गांव में चाय की दुकान पे या चाय वो पत्ते खेल के क्या देशभक्ति हो जाएगी? नहीं, देशभक्ति जब आपकी होगी जब अच्छे व्यक्ति राजनीतिक में आएंगे, क्योंकि एक आजादी तो हम लोग ने लड़ी थी देश को आजाद कराने के लिए, लेकिन एक आजादी हम लोग को और लड़नी है देश में भ्रष्टाचार दूर करने के लिए। तो ईमानदार जो व्यक्ति देश की सेवा करना चाहते हैं, मैं उन सब व्यक्तियों से कहता हूं आप आए, स्वागत है राजनीतिक में, आप कदम रखें, देश के लिए कुछ तो कुर्बानी करो, तब देशभक्त बनोगे ना जी। बिल्कुल, वैसे भी राजनीति में अब जितना हमको खतरा नहीं है उतना हमें अपने देश में इस राजनेताओं से, भ्रष्ट नेताओं से खतरा है, क्योंकि देश को वो नहीं लूट रहे, हम राजनीतिक दल वाले लूट रहे हैं, तभी तो स्विस बैंक के अंदर इतना पैसा जमा हुआ जी। बिल्कुल, अगर मोदी सरकार ईमानदार थी तो 2017-18 के अंदर 50% यानी 50 गुना धन उसमें कैसे बढ़ गया? ये मेरे आंकड़े नहीं, सरकार के आंकड़े, सरकारी आंकड़े। क्यों बढ़ गया? कैसी है भाई चौकीदारी आपकी? आप ही हल्ला करते हो ना कि मैं चौकीदार हूं। तो इतने सारा घोटाला हो गया, कहां गई चौकीदारी? क्या ऐसा गलत कह दिया राफेल घोटाले के अंदर? क्यों आपको पता है कि मंत्रालय से फाइल गायब हो गई? ये जी बिल्कुल, कैसी चौकीदारी है? हमारे न्यूज चैनल पर चली भी थी बहुत दिनों तक, इस पर चर्चा भी हुई थी। तो सत्ता आपके पास है, पावर आपके पास है, तो फाइल की जगह यदि कुछ गड़बड़ नहीं है तो फाइल गायब क्यों होगा? कुछ तो गड़बड़ है, तभी तो फाइल आपकी गायब हुई ना। चलिए धनेश्वर महतो जी, आपसे तो ढेर सारी बातें हो गई, तो इसी के साथ आपको हमारे चैनल पर आने के लिए और इसके साथ ही हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। तो आपने देखा कि इस वक्त हमारे साथ बने हुए थे भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो, जिनके साथ हमने धारा 370 रोजगार सहित कई सारे मुद्दों पर हमने बातचीत करा। तो आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।